नमस्कार, मानपूर्णा फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक नई रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे घर में छोला ब्रेड। छोला बना लिया है, इसके साथ ब्रेड सेकिए। आप सोच रहे हो ब्रेड, छोले के साथ ब्रेड? गैस पर पैन चढ़ा दिया है, इसमें दो चम्मच ऑयल डालेंगे। बहुत अधिक तेल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रा सा तेल डालेंगे क्योंकि हम नाश्ते के लिए छोला बना रहे हैं। आधे चम्मच जीरा डालेंगे इसमें, आधे चम्मच सौंफ डालेंगे और एक प्याज काट के डाला है इसमें। 6 कली लहसुन, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको पीसेंगे नहीं क्योंकि पीसने में बहुत ज़्यादा तेल लग जाता है, क्योंकि नाश्ते के लिए हम बना रहे हैं तो एक दिन सिंपल तरीके से बनाएंगे। और हमारी मीडियम आंच पर हमने इसको भुना है, बहुत जल्दी भुन जाता है। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और मसाले को घोल कर इसमें मिला लेंगे। चुटकी भर हींग डालेंगे इसमें, हींग से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जो मसाला हमने घोला है वो भी इसमें डाल देंगे। हमारा मसाला भुनने लगेगा तो हमने टमाटर पीस के रखे हैं, 2 टमाटर। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, टमाटर लिया है इसमें 2 चम्मच, 2 मिर्चा डाली है, एक अदरक का टुकड़ा भी रखा है वो डाला है, वो भी इसमें डाल देंगे। मिला देंगे इसको अच्छे से। हमारी टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई और मसाला भुनने लगा है बढ़िया। ये नाश्ते के लिए जब छोला बनाते हैं तो सिंपल ही छोला बनाना चाहिए, बहुत तेल नहीं डालना चाहिए, बहुत मसाला नहीं डालना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। और हमारे यहाँ बच्चों को छोला के साथ ब्रेड बहुत पसंद है, हर सप्ताह तो बननी है संडे के संडे। भटूरे छोले के साथ भटूरे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक बार बनेंगे, लेकिन ब्रेड तो चाहिए हफ्ते। छोला ब्रेड सभी को पसंद आती है, आप भी एक बार बनाएंगे तो आप भी इसके मुरीद हो जाएंगे। बहुत अच्छी लगती है छोले के साथ ब्रेड। हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। हमने 150 ग्राम छोला उबाल के रखा था, वो उसमें मिला देंगे। सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, बहुत जल्दी जल्दी पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी मैंने। छोला उबाल के रखा था और टमाटर पीस के रखा था कि जल्दी से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। पानी अपनी आवश्यकता अनुसार डालेंगे, जितना हमें गाढ़ा पत्ता रखना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एकदम से बहुत जल्दी से बन जाती है। ज़्यादा तेल मसाला होगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा सुबह सुबह से, उस समय के लिए फास्ट रेसिपी है। कभी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, कुछ आ जाए, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। रात को छोला डालो, सुबह फटाफट बन जाती है। और सिंपल ही छोले बनाओ आप, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आप भी जल्दी से फ्री हो जाते हो। ब्रेड का पैकेट मंगाया, 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाला है इसमें और कुछ मिर्चें काट कर डाली हैं, कुछ अदरक के टुकड़े डाले हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और धनिया पत्ती काट के रखी है, वो भी इसमें डालेंगे क्योंकि हमारा परिवार संघ परिवार है। संघ में छोले और ब्रेड का नाश्ता बहुत दिया जाता है। संघ के जब शिविर लगते हैं ना, तो मेरे पापा जी को तो बस वहीं वो खिलाते, तो उनको घर में भी छोला ब्रेड लेके आए, छोले बना दो। तो छोला ब्रेड मेरे यहाँ बहुत पकता है, आप भी एक बार बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। गैस पर पैन चढ़ा दिया है हमने और ब्रेड को रख देंगे घी लगा के। घी लगाइए, बटर लगाइए, जो आपकी मर्जी हो लगाइए, बहुत अच्छी लगती है। एक बार इसको खा के देखिए आप भटूरे खाना भूल जाएंगे। इतनी सिंपल रेसिपी है और बहुत बेस्ट लगती है। कोई ऑयली सब्जी नहीं, ऑयली कुछ नहीं, बिल्कुल भी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। हमारी प्लेट तैयार हो रही है, आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप छोले में देख रहे हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं देख रहे हो, सिंपल छोले बनाते हैं।
हाँ बिल्कुल एकदम से वैसे बना दो, वो भी नहीं सही लगेंगे, किसी के सामने गेस्ट वगैरह आए हैं तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। और प्याज हमेशा किस के डालें, काट के डालें, पीस के ना डालें, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ओके, थैंक यू।